एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका यूजीसी नेट पेपर नंबर 1। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 9, जो कि है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। दो क्लासेस हो चुके हैं, ये है हमारी क्लास नंबर 3। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मिलेनियम डेवलपमेंट की, कि हमने कुछ गोल्स सेट किए थे, हमने इन द सेंस यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल्स सेट किए थे कि हम सभी को वो अचीव करने हैं 2015 तक। लेकिन ऐसा होता है कि जब भी आप गोल्स करते हो, कोई चीज़ एक खाका बनाते हो, अपनी एक प्लान को क्रिएट करते हो, प्लान बनाते हो, तो बहुत सारी बात हो जाती है कि वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। इवन हम बोला गया कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया कि हम ये सब कर लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि अगले 10 साल में, 15 साल में वो चीज़ें पूरी हो जाए। नहीं हो पाएंगी तो क्या होगा, हम नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, उसमें उन चीज़ों को ऐड कर लेंगे। तो वही चीज़ें इसमें भी हुई, मिलेनियम डेवलपमेंट में भी हुई। हुआ ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें तो हुई कंप्लीट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनकम्प्लीट रह गई, फुलफिल नहीं हो पाई। अब जब धीरे धीरे टाइम आने लगा, 2015 का टाइम आने लगा, मतलब कि हमने बात करी थी 2020 से 2015 तक MDG चलेगा, उसमें MDG मतलब कि मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रहेगा, उसके अंडर में डेवलपमेंट होता रहेगा। लेकिन अब 2015 आने लग गया। अब 2015 जब आने लग गया, एंड हो जाता, मतलब 2015 में MDG ख़त्म हो जाता। अब जब 2015 में वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई नई चीज़ चाहिए, क्योंकि अभी चीज़ें पूरी नहीं हुई थी, फुलफ़िल नहीं हुई थी, टारगेट्स, आपके गोल्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो आपको कोई नई चीज़ वहाँ पर लानी पड़ी। अब यूएन ने क्या किया, यूएन ने स्टार्ट कर दिया एक नया प्लान बनाना, एक नई चीज़ें डेवलप करनी शुरू कर दी, कि अब हमें नए गोल्स चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब चीज़ें MDG में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो क्या हुआ, यहाँ पर आके कुछ नए गोल्स को भी ऐड कर लिया गया। 15 साल का टाइम बीत गया था, 15 साल पहले ज़रूरतें कुछ और थी, लेकिन 15 साल बाद ज़रूरतें कुछ और भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ी। इसीलिए हम लेके आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या था, 15 सालों तक के लिए था। जैसे MDG आपका 15 साल तक के लिए था, 2000 से 2015 तक का था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया कि 2015 में लागू होगा, 2030 तक हमें अपने गोल्स को कंप्लीट करना है। अब जब गोल्स सेम नहीं है, गोल्स चेंज हो गए, क्योंकि धीरे धीरे टाइम चेंज हो गया, लोगों की ज़रूरतें बदल गई, तो इसीलिए गोल्स में नंबर भी चेंज हो गए। MDG में 8 गोल्स थे, 21 टारगेट थे, इसमें कितने थे, 17 गोल और 169 टारगेट्स थे। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने गोल्स किस में थे, कितने टारगेट किस में हैं। ऑब्वियसली टारगेट आपके पेपर में कभी आया नहीं है, सिर्फ गोल्स पूछे जाते हैं कि कौन सा गोल कितने नंबर पर है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। अब डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीम इंजन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इतनी सारी जब चीज़ें हो रही, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं हर जगह, फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो इन सब ने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। अब ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ही, एक तरफा सिर्फ फैक्ट्रीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, सब सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सबको डेवलपमेंट करना है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ एक हार्म भी हुआ ना, कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका वो बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, कार्बन एमिशन जो है वो बढ़ गया, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा निकलने लग गई। फैक्ट्रीज चल रही हैं, हर एक तरफ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो कार्बन बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में आने लग गया। अंटार्कटिका में जो आपके आइस की शीट्स हैं वो पिघलने लग गई। अंटार्कटिका जो कि माना जाता है जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही रहती है, वहाँ पे हमेशा के लिए कोई नहीं रहता है, सबने अपने रिसर्च सेंटर बना रखे। इवन इंडिया के भी वहाँ पे 3 रिसर्च सेंटर हैं। अब जब हर तरफ एक तरीके से कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा, कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, अंटार्कटिका की शीट्स पिघल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम देने लग गई, ओजोन होल की भी बात होने लग गई थी। अब इसके बाद बोला गया कि भाई हमें सस्टेनेबल तरीके पर डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट होगा तो ज़रूर, हमें बढ़ना है आगे, लेकिन कैसा, सस्टेनेबल। इन्वायरमेंट सिर्फ हमारा नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम अगर इस जनरेशन में हुए हैं, हमारा बर्थ इस जनरेशन में है, तो ये जो इन्वायरमेंट है वो हमारा है, नहीं, ये आगे वाली जनरेशन का भी है। तो हमें इसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है, कि एटलीस्ट जो चीज़ें हमें मिली हैं हम उसे मूव पास ऑन करें अपनी जनरेशन को, जो हमारी जनरेशन आएगी उसको। तो इसीलिए 2012 में मीटिंग हुई। अब ऐसा भी नहीं हो सकता था कि 2015 में MDG ख़त्म हो रहा था, तो 2015 में बैठेंगे और बैठक होगी, मीटिंग्स होंगी, उसके बाद कुछ नए गोल्स तय किए जाएंगे, साल भर लग जाएगा, तो एक साल तक दोनों देशों में कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए क्या हुआ, 2015 में ख़त्म होने से पहले ही 2012 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। उस कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या था, द फ्यूचर वी वॉन्ट, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, ये आपको याद होना चाहिए, द फ्यूचर वी वॉन्ट, क्योंकि लाइन्स इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बोला कि ये जितनी यूनिट है इन्वायरमेंट की, ये रट्टे वाली यूनिट है, आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन आपको रटना पड़ेगा। 1992 में एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुई थी, उस टाइम पे अर्थ समिट हुई थी।
अर्थ समिट आपको याद है ना कि 3-4 अर्थ समिट हो चुकी है, तो अब तक 3 हुई थी तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो छोटा सा ही है, तो जो अर्थ समिट हुई थी जून में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी ब्राज़ील में, उसमें भी कुछ 21 एजेंडा अडॉप्ट किए गए थे। ऑलराइट, ये साइड मैंने बॉक्स में लिख दिया है। अब जब हमने बात की कि 2012 में यूएन ने कॉन्फ्रेंस करी, उसका आउटकम था द फ्यूचर वी वांट, कि भाई हमें सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना है, हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपने वर्ल्ड को। और इसमें एक लाइन बोली गई थी कि 2030 का जो एजेंडा है वो क्या है, 17 गोल्स हैं। ये कब हेल्ड हुई, 2015 में न्यूयॉर्क में, वहाँ पे पहले उन्होंने बात करी, कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन ये जो एजेंडा था ये सब कब हुआ, 2015 में सितंबर में स्टार्ट हुआ, एक मीटिंग के साथ स्टार्ट हुआ। अब इसमें भी कोई 17 गोल्स थे, क्योंकि गोल्स आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट है, आपको अभी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। हमने अभी क्या बात करी थी, MDG में, आप दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो कन्फ्यूजन होगी, एक को रट लो उसके बाद दूसरे पे आओ। तो हमने MDG में बात करी थी कि पॉवर्टी एंड हंगर नंबर 1 पे थे कि हमें इरेडिकेट करने हैं, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, पॉवर्टी एंड हंगर दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नंबर 1 पे पॉवर्टी डाल दी कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, नो पॉवर्टी, कि गरीबी ख़त्म करनी है बिल्कुल ही। सेकंड नंबर पे जीरो हंगर, कि भाई कोई भी बच्चा है, इंसान है, कोई भी है, वो भूखा ना सोए, सबके पास खाने का इतना तो खाना हो कि कम से कम कोई भूखा ना सोए। थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि सबको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए, हेल्थ उस इंसान की सही रह सके। फोर्थ है आपका क्वालिटी एजुकेशन। अभी हमने बात करी थी MDG में कि हमें प्राइमरी एजुकेशन देनी है बच्चों को, इसमें क्या बोला गया, क्वालिटी एजुकेशन, पढ़ाओगे तो सही लेकिन उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा दिया कि ठीक है अब हम अभी लिटरेसी में आ जाएंगे, नहीं, आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें आगे वेल एजुकेटेड बच्चे भी चाहिए जो हमारे देश के लिए कुछ कर सकें। फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वालिटी, जो कि हमने MDG में भी बात करी थी, बस ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये नंबर्स के साथ रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आपने 8 याद कर लिए, आपको 8 याद करने हैं, यहाँ पे 17 याद करने हैं, लेकिन नंबर्स के साथ। जैसे कि 5 नंबर पे क्या है, जेंडर इक्वालिटी है। 6 नंबर पे क्या है, क्लीन वाटर है, सैनिटेशन है, कि साफ सुथरा पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी वहाँ पे आपको मिलेगा। 7th क्या है आपका, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कि एनर्जी जो होगी वो अफोर्डेबल हो, इस तरीके से प्रोवाइड करी जाए, क्लीन रहे, हो सके। 8th है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि आपको एक डिसेंट जो जॉब है वो मिल सके, इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है, अगर आपको हर एक बंदा अगर वर्किंग है एक कंट्री में तो ऑब्वियस सी बात है उसका GDP ऊपर रहेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप ऊपर हो जाएगी। 9th है इंडस्ट्रीज़ है, इनोवेशन है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर एक कंट्री में चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री लग रही है, इनोवेशन हो रहा है, कुछ नया बन रहा है, कुछ नई बिल्डिंग्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। 10th है आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म करना है। इनइक्वालिटी हो सकती है जेंडर में, हो सकता है डिफरेंट पीपल में हो, डिफरेंट कास्ट में हो, उन चीज़ों को ख़त्म कर इरेडिकेट करना है। 11 है आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, आपको कम्युनिटीज़ बिल्डअप करनी है, सिटीज़ बिल्डअप करनी है, लेकिन कैसी सस्टेनेबल, जो आगे भी रह सके, ओवरऑल रह सके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप तक वो चीज़ें हैं। 12th है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंज्यूम करना है। अगर आप कोई भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, एनवायरमेंट से कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है और उसके बिहाफ पे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूम ही कंज्यूम करे जा रहे हो, अपना ही फ़ायदा देख रहे हो, आपको सस्टेनेबल तरीके से रहना है। 13th है आपका क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट को ध्यान में रखना है। 14th है आपका लाइफ बिलो वाटर, कि जो पानी के नीचे की जो दुनिया है, जो फिश है, एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं, फिश है, प्लांट्स है, जो भी चीज़ें हैं, प्लांट्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने सारा का कचरा निकाल के सी में डाल दिया, तो तुमने तो डेवलपमेंट कर लिया लेकिन अंडर द वाटर जो लाइफ है उसका क्या हुआ, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाए। 15 है लाइफ ऑन लैंड, कि जितने भी लैंड पर जो लोग हैं, आपके एनिमल्स हैं, जंगल हैं, ये सब है, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। 16 है आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीस है, जस्टिस है, इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर शांति कायम करके रखनी है देशों में। 17 है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि आपको पार्टनरशिप को साथ में लेके चलना है। तो ये थे आपके कुछ यहाँ पर जो SDG हैं उनके गोल्स, 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
ये बात हुई थी 2015 से 2030 के बीच में पूरी करनी है, मतलब कि 2030 में अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई या फिर कुछ चीज़ें रह गई और जब हम 2030 तक पहुंचेंगे बहुत सारी हमारी ज़रूरतें भी बदल जाएंगी, तो 2030 में फिर से एक नया डेवलपमेंट का कोई गोल लेके आएगा, कोई टारगेट स्टार्ट होगा जो हम कंप्लीट करेंगे अगले 15 सालों तक। मतलब ये जो आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, ये 15-15 सालों के लिए अप्लाई किए जाते हैं, लागू करे जाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, आप एक बार रट सकते हो। रिवाइज करना है तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे है आपका नो पॉवर्टी, सेकेंड है आपका जीरो हंगर, थर्ड है आपका वेल हेल्थ होनी चाहिए, आपकी वेलबींग को देखा जाए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, जेंडर इक्वालिटी रहेगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि याद करने में दिक्कत होती है, याद कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल सी कहानी है, अपनी एक ट्रिक बना लो, ट्रिक से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।